केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आज पितृपक्ष के दौरान कैदियों के लिए तर्पण और पिंडदान की व्यवस्था जेल प्रशासन के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी कैदी हैं, जो कुछ सजा याफ्ता हैं और कुछ किसी कोई किसी प्रकरण में है, कोई हत्या में है, कोई सजा काट रहा है, ऐसे में अपने पितरों के तर्पण और उनके श्राद्ध और उनके पिंडदान के लिए यहाँ पर जेल प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई और आज बड़ी संख्या में यहाँ कैदियों ने अपने पितरों का पूजन अर्चन किया और पिंडदान किया। पितृपक्ष का ये पावन समय चल रहा है और ये 16 दिन जो होते हैं सभी लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी शांति के लिए जो उनसे संभव होता है वो पूजा अर्चना करते हैं। जो केंद्रीय जेल उज्जैन क्योंकि सिद्धवट क्षेत्र के अंतर्गत आता है और एक ये सोच थी कि जो लोग बाहर हैं वो तो अपने पितरों के तर्पण के लिए किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर के तर्पण कर सकते हैं, पर ये बंडी भाई जिनको हम कहते हैं कि जेल अब दंडात्मक संस्था ना होकर सुधारात्मक संस्था है, तो इन्हें इनके परिवार के साथ में अटैचमेंट बना रहे और ये भी अब जेल में रहते हुए अपने पितरों के तर्पण कर सकें, इस सोच के साथ हमने इस नई पूजन का यहाँ पर जेलों पर जो है चालू किया है। और इसके तहत जो है बंदियों से पहले हम लोगों ने पूछा तो कुछ बंदी इसके लिए तैयार थे कि हमें जो है चूंकि इस समय में ये बाहर नहीं जा पाते हैं और लगभग सभी बंदी पैरोल भी नहीं जाते हैं और इसी समय में भी नहीं जा पाते, तो हमने सिद्धवट क्षेत्र के अंतर्गत जेल आती है इसलिए इसको जो है उनके पूजा अर्चना का कार्यक्रम जेल में ही कराने के लिए पंडित श्याम जी से हमारे चर्चा हुई और उनके द्वारा बताया गया कि जो फल सिद्धवट क्षेत्र के अंतर्गत पूजन करने से मिलता है वो जेल में क्योंकि सिद्धवट में ही आता है तो यहाँ मिल सकता है, तो इस सोच के साथ हमने एक ये पूजन का कार्यक्रम बंदियों के पितरों के तर्पण के लिए स्टार्ट किया है और इसमें लगभग 100 बंदी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सब बहुत खुश हैं।